मुंबई में उद्धव ठाकरे के आगे नतमस्तक हुई कांग्रेस। अर्जुन सिंह के नामांकन से गर्म हुई सियासत। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई की सीटों पर घमासान जारी है। बता दें कि कांग्रेस की मुंबई अध्यक्षा ने जिस तरह से मुंबई की सीटों का बंटवारा किया है, कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। जिसमें बात करें बांद्रा पूर्व विधानसभा की सीट का, जहां से कई बार कांग्रेस जीत कर आई है, अब वो सीट बंटवारे में उद्धव ठाकरे को दे दी गई है, जहां से वरुण सरदेसाई मैदान में है। तो वही कांग्रेस पार्टी से अर्जुन सिंह ने नामांकन दाखिल किया है, जिससे उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताई है। लेकिन अब कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इनमें से कुछ नामांकन वापस ले लिए जाएंगे, जिनको ये भी फॉर्म नहीं मिला है उनका नामांकन वापस लिया जाएगा। बता दें कि 29 अक्टूबर को सभी उम्मीदवारों को ये भी फॉर्म दिया जाना था, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह का भी नाम शामिल था। कांग्रेस की मुंबई अध्यक्षा ने इस पर रोक लगा दिया है। तकरीबन 2:45 पर अर्जुन सिंह को कॉल आता है और ए बी फॉर्म सहित कई अन्य फॉर्म को सबमिट करने से मना कर दिया जाता है, जिससे बांद्रा पूर्व विधानसभा में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में अब इस बात को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस का रवैया अपने उम्मीदवारों के साथ बिल्कुल अड़ियल साबित हो रहा है।